नहीं आप चौथा स्तंभ है सर। हाँ। ये क्यों बोलते हैं? तो चौथा स्तंभ तो आपकी समस्या उठा तो रहे ना। हाँ तो उठा रहे, तो इसी में बनेगा ना। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जब आप लोग आए हैं, अब जैसे होली खत्म हो जाएगी, ये सब का मामला खत्म हो जाएगा, फिर होली आएगी, फिर आप लोग आ जाएंगे। अच्छा। फिर चिल्लाएंगे हम लोग चूतिया, कुछ नहीं हो पाता। हम आपाज के घर पक्का नहीं है, कच्चा आता हूँ तो कॉलोनी नहीं मिलते, अब कहाँ सुनिए। अच्छा, बहुत प्रधान आए, बहुत चले गए, बहुत आएंगे, बहुत वो भी चले जाएंगे। कुछ तो कर सकते हैं, कुछ त्वरित निराकरण के लिए कुछ। ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, कुछ के मतलब कुछ। हैदरगढ़ विकासखंड क्षेत्र के शहरी इस्लामपुर ग्राम सभा के गुलामाबाद गांव में मौजूद हूं। दरअसल यहां के लोगों की समस्याएं यह है कि इनके आने जाने का कोई मुख्य संपर्क मार्ग नहीं। दरअसल आपको बताते, गुलामाबाद ये वही गुलामाबाद है जहां पर होली के दिन, होली से दो दिन पूर्व ही लाखों के लोग में यहां पर होली तापने आते हैं और मिर्गी दौरा जैसी बीमारियां उनकी दूर होती है यहां की दवा खाने से। लेकिन आपको बताते कि यहां के लोगों की एक मेन समस्या यह है कि कोई मेन संपर्क मार्ग नहीं है। हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं, वहां पर एक आपको मंदिर नजर आ रहा होगा, वहीं पर होली जलती है और जहां पर हम खड़े हैं किसी के बाग में खड़े हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि ये कोई संपर्क मार्ग में नहीं, यहां पर सिर्फ कच्चा रास्ता है। अब बात ये है कि लोगों के लिए कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको तो दिक्कत होती ही होती है, लेकिन बरसात के दिनों में इन गांव वाले, गांव के लोगों को भी काफी दिक्कत होती है। तो हमारे साथ एक भैया इस बात कर लें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनरेश मिश्रा है। जी मिश्रा जी, मेरा घर ये बाजू में है जी। हमारे घर के लिए भी रास्ता नहीं, होली के लिए भी रास्ता नहीं। हाँ। और मैं ये चाहता हूँ एसडीएम से, डीएम से, लेखपाल से, सभी से, ग्राम प्रधान से भी, अगर वो रास्ता ये नहीं बनवा सकते तो हमारे यहाँ की जो जमीन पड़ी है आगे उसको खुदवा दे सरकार। क्यों? क्योंकि मुझे रास्ता नहीं दोगे तो मैं क्यों दूँ? कहीं आपकी जमीन में रास्ता बना हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, खड़ंजा लगा हुआ है, खड़ंजा लगा हुआ है, मेरी जमीन वहाँ पड़ी है। उसका मुआवजा आपको मिला था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुआवजा कौन देगा? ये किसकी बाग है? ये सामलियत बाग है, ये आगे मेरी भी, इसमें भी मेरा हिस्सा है। हाँ। ये दूसरे की बाग है। हाँ। बाग में तो रास्ता बन नहीं सकता। बाग में नहीं बनता तो सर वो भी तो मेरा नंबर ही था। तो यहाँ के आने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। अगर वो रास्ता यहाँ का भी नहीं दे सकते तो हमारा भी जो वहाँ बना है उसको निकलवा दें। तो लोग कैसे फिर आते हैं यहाँ पर? बस जैसे आते हैं आप खुद देख रहे हैं ना दादा। आप बताइए, आप काफी बुजुर्ग हैं तो आप देखते चले आ रहे हैं, पहले कभी कौन सा रास्ता था आने जाने के लिए? हाँ। पहले ऐसा रहा, लेकिन पब्लिक कम रही, तो इतना पब्लिक पहले नहीं रही जितना अब है। अब समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, एक गाड़ी घोड़ा नहीं था यहाँ। तो प्रधान से नहीं कहते आप? कोई सुनत है? वोट चाहिए, कोई सुनत नहीं ना है? कोई नहीं सुनता, डीएम परसाल आई वो कहीं प्रधान से। हाँ। कहीं ये रास्ता हमको अगले साल बनी मिले के चाहिए, ठीक है, पैसा तुम्हारे कोटा में नहीं ना तो हम पैसा दे, भाई हमारे कोटा में पैसा है, अगर को नहीं बनावे दिए। कौन से एसडीएम ने कहा था? अब हम उनका लेडीज आई है, उनका नाम हम तो जान, तो क्या करेंगे फिर? एक साल बाद जैसे लोग, जैसे आप जब आप लोग आए हैं, अब जैसे होली खत्म हो जाएगी, ये सब का मामला खत्म हो जाएगा, फिर होली आएगी तो फिर आप लोग आ जाएंगे। अच्छा। फिर चिल्लाएंगे हम लोग चूतिया, कुछ नहीं हो पाता। हाँ ये समस्या रहती है हमारे गांव में। नहीं हम लोग, देखिए दादा, हम लोग आपकी समस्या उठा सकते हैं, हमारा पावर नहीं कि हम रोड बनवा दें। नहीं नहीं, समझिए, आप चौथा स्तंभ है सर। हाँ। ये क्यों बोलते हैं? तो चौथा स्तंभ तो आपकी समस्या उठा तो रहे ना। हाँ तो उठा रहे, तो इसी में बनेगा ना। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हम आपाज के घर पक्का नहीं है, कच्चा आता हूँ तो कॉलोनी नहीं मिलते, अब कहाँ सुनिए। अच्छा तो दादा आप बताइए, आप समस्या के निवारण कैसे हो सकता है? साहब जब ग्राम प्रधान और शासन प्रशासन चाहिए तभी हो सकता है, अगर नहीं कोई सरहद पर से निकाले रास्ता तो होना चाहिए भाई। मैं रास्ता मतलब सरकार मतलब जिसे रास्ते जाओ घर निकाल सकती है। चलिए आप बताइए। हाँ बताइए, आप क्या करें? अगली बार एसडीएम ने बताया था कि गांव होली तक पहुँचने के लिए हर तरफ रास्ता होना चाहिए, लेकिन एक तरफ से भी रास्ता नहीं बनाया गया। जबकि अगली बार एसडीएम ने बताया था कि अप्रैल में काम लग जाना चाहिए। किससे बोला था? प्रधान, तीन प्रधानों को बुलाकर, सोनू सिंह, ठीक है, इस्लामपुर के प्रधान पांडे जी और मुस्तफाबाद के, तो काम एक ही प्रधान को कराना है ना। लेकिन ये तीन मौजे में लग रहा है, दो मौजे में जमीन है सर, इस्लामपुर मुस्तफाबाद। हाँ। दो मौजे में है, दो मौजे में, तो दोनों प्रधानों को बुला के कहा था? हाँ बिल्कुल कहा था। तो आप लोग प्रधान से नहीं मिले? हम मिले, बता तो चुके, कहते सबसे है, हम तो कल फेसबुक पे भी डाल दिया ना, कल इसलिए डाला कि वो कान में रुई लगा के बैठे, करना कुछ है नहीं। तो आप जाके एक मिनट आप कहते क्या? नहीं एक मिनट आप सुनिए,
आपकी अगर प्रधान नहीं सुन रहा है तो आप जाके सीधे एसडीएम से मिलिए, एसडीएम नहीं सुने तो आप डीएम से मिलिए। अरे डीएम से मिलेंगे, नहीं सुनेगा तो मैं योगी जी से भी मिल लूंगा, बाबा जी से भी मिल लूंगा। नहीं लगता लागत नहीं भैया, किससे उम्मीद है? बाबा जी से, योगी जी से। जी सर वही करवाएंगे, वही करवा सकते और कोई नहीं करवा सकता। नहीं बनवा सकते, नहीं बनवा सकते। बहुत प्रधान आए, बहुत चले गए, बहुत आएंगे, बहुत वो भी चले जाएंगे। कुछ तो कर सकते हैं, कुछ त्वरित निराण के लिए कुछ कुछ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, कुछ के मतलब कुछ नहीं कर सकते, पताई हो सका तो बस। अभी साफ सफाई नहीं हुई, कार्यक्रम आपके यहाँ बस आप खुद देख रहे हैं सर ना, तो सड़क की क्या बात करते हो यार, जब यही देख रहे हो क्या करेंगे, ये सड़क बनवा देंगे? नहीं सफाई चार पांच दिन में हो जाए। हाँ हो जाए सफाई करवा, वो भी देख लेना कितनी सफाई होती है। अच्छा वो भी देख लेना आके। चलिए तो आपको बता दूं कि इन लोगों की समस्याएं वाजिब हैं, क्योंकि गांव में अगर संपर्क मार्ग ना हो तो तकलीफ सभी को होती है, और यहां के लिए वैकल्पिक कोई अगर रास्ता हो जिससे कि लोगों को आने जाने की समस्या ना हो, वो रास्ता जरूर बनवाएं।